पोजिशन का हैश 7 चेक करेंगे। क्लास वर्क रीड एंड एक्सप्लेन चैप्टर हाइड एंड सीक्स पेज नंबर 15 एंड 16। आप अपनी रेडियन वे का पेज नंबर एंड 16 ओपन करें। हाइड एंड सीक कहते हैं छुपन छुपाई को, ये एक गेम है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वन फाइन सैटरडे मॉर्निंग ग्रेस एंड नॉर्मन वेंट टू प्ले विद जेन हु लिव इन लाइम टेरेस। सैटरडे की सुबह को ग्रेस और नॉर्मन जेन के साथ खेलने गए जो लाइम टेरेस पर रहती थी। लेट अस प्ले हाइड एंड सीक जेन सेड। जेन ने कहा कि चलो आओ हाइड एंड सीक खेलते हैं, यानी छुपन छुपाई खेलते हैं। द ट्रंक ऑफ द लाइम ट्री शल बी द डेन। जेन हाइड हर फेस एंड ग्रेस एंड नॉर्मन रैन टू हाइड। चूने का जो घना सा दरख्त होगा, जेन ने जो है अपना फेस हाइड किया, अपने फेस को छुपाया, और ग्रेस एंड नॉर्मन जो है छुपने के लिए चले गए। इन अ लिटिल वाइल शी हर्ड सम वन क्राई चाइम चाइम। और कुछ देर बाद इसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऑफ वन जेन टू लुक फॉर नॉर्मन एंड हिज सिस्टर। और जेन जो है वो नॉर्मन और उसकी सिस्टर को ढूंढने जाती है। आई सी अ बॉयज कैप एट द बैक ऑफ द हाइव्स। झाड़ियों के पीछे उसे एक केप नज़र आती है। नॉर्मन मस्ट बी डियर सेड जेन टू हर सेल्फ। और जेन अपने आप से कहती है कि नॉर्मन वहाँ ज़रूर होगा। नॉर्मन आई स्पेयर यू। नॉर्मन मैंने आपको ढूंढ लिया। शी कॉल एंड रैन बैक टू द डेन। वो कहकर वहाँ खड़ी हो जाती है। टू हर सरप्राइज आउट केम ग्रेस। शी हैड ऑन नॉर्मन केप टू ट्रिक जेन। उसे हैरत होती है कि नॉर्मन की केप में जो है ग्रेस होती है। ये स्टोरी यहाँ तक की है। आगे से हम इसके नेक्स्ट हैश में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क सुन लिया। होमवर्क में आप इसी चैप्टर को रीड करेंगे, हाइड एंड सीक। जो पेज अभी हमने रीडिंग किए हैं 15 एंड 16, आपको सेम यही दोबारा रीड करने होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।